प्यासे को पानी और खाने को रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुजंदी पर तरस करो, कुछ तो खाने को दे दो साहेब। अरे दीवानो, मुझे पैसे लो, कहाँ से आया मैं हूँ जोन। क्यों चिल्ला रही हो, कौन हो तुम? अरे बाबूजी, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस अंधी पर तरस करो, कुछ तो खाने को दे दो। अरे बाबूजी, दो दिन से भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, कुछ तो खाने को दे दो। 100 रुपए भी दे दो, बच्चों के लिए बिस्किट और दूध लेकर जाऊंगी। ओह, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, ब्लाइंड डेट है तुम्हारी। वैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं बाबूजी। अच्छा, बच्चों के जो फादर्स हैं, फादर्स, वो कोई काम धंधा नहीं करता क्या? साहब, वो एक लड़की को भगा कर ले गया, तभी तो मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। वेरी इमोशनल स्टोरी, गदर एक इमोशनल कथा। मैं बहुत इमोशनल टाइप का आदमी हूँ, आप सही जगह आई हो, आपका उचित समाधान होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, क्योंकि ये ठंडा तो आप लोग नहीं, यही हो यही। प्लीज आप बैठिए, मैं भी ठंडा पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। अरे मैं आपसे पूछना भूल गया, आप ठंडा जो है वो गर्म लोगे या ठंडा? साहेब, ठंडा ला दो। ओके, ठंडा। अरे मैं फिर से पूछना भूल गया कि आप लिमका लोगे या कोक? साहेब जी, लिमका ही ला दो। लिमका। My remember was Ghazni। मैं तो पूछना ही भूल गया कि आप जो लिमका है वो कांच की गिलास में लोगे या स्टील के गिलास में? जी साहेब, कांच के गिलास में ला दो। गिलास प्लेन वाले में लाऊं या फूल वाले में? साहेब, फूल वाले में ही ला दो, मगर जल्दी लाओ, बच्चे भी भूखे हैं घर पर और वो रो रहे होंगे। I am so emotional. Children is crying at home and I am outside the village. अभी मैं फूल वाले में ठंडा लेके आता हूँ। राम जाता, अच्छा बेवकूफ बना रहा है। मगर कोई बात नहीं, वहाँ तो मेरे कब्जे में है। My mistake. बुलक्का टाइप हूँ ना मैं, फिर से भूल गया मैं तो। मैं ये पूछ रहा था, चमेली के फूल के गिलास में लाऊं या गुलाब के फूल के गिलास में? साहेब, गुलाब वाले में ले आओ, मगर लाओ जल्दी, घर पर मेरे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है, आपके बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं, मुझे याद है, अभी लाया। मैं तो फिर से भूल गया
हमारे घर में तो गुलाब वाला गिलास ही नहीं है और उसके बिना आपको मजा ही नहीं आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए चाय लेके आता हूँ। साहेब चाय ही ला दो, मगर जल्दी लाओ। अच्छा बेवकूफ बना रहा है। अरे मैं तो फिर से भूल गया, मुझे आप ये बताओ चाय आप मीठी लोगे या फीकी? साहब मीठी ला दो, पर जल्दी लाओ। ओके अभी लाया। अरे चाय के साथ आप बिस्कुट लोगे या भुजिया? भुजिया ले आओ, पर जल्दी लाओ साहब। भुजिया नमकीन वाले लोगे या खट्टा मीठा? नमकीन वाला ही ला दो साहब, मगर जल्दी लाओ। अच्छा आलू वाले नमकीन लोगे या फिर चने वाले? इसको क्या हो गया? मटरों से होशियारी करती है, मटरों के घर चोरी करने की कोशिश करती है। इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा तुझे? सगो जी ये दिन खुशी का बार बार नहीं आता, मेरे इकलौते भाई की शादी है, हम तो आज कुछ नहीं सुनेंगे ना चारे छोरो। दो मिनट, आप ये बताओ पहले दूल्हे राजा को आपने बंद क्यों रखा है? सगो जी इसके बंधने में बहुत बड़ा राज है, ये बंधा रहे तो ही ठीक है। बताओ जी इसमें क्या राज है? बताना ही पड़ेगा आपको। ले छोरो खोलो इसको। चलो छोरो अब नाचो। सगो जी देख लिया आपके दुल्हे राजा को? ये ब्याह शादियों में रुपए चुगने का काम करता है आपका जवाई, वहां जाके बेइज्जती नहीं करवा देता। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर का पैसा गर्मी रहेगा, माने तो ईसा ही जवाई चाहिए। अब नाचो जी। अरे बेटा मटरू अचानक ऐसे घर कैसे आ गया, क्या हुआ? अकेला ही आया? बहू नहीं आई तेरे साथ? नहीं पिताजी, मैं अकेला ही आया हूँ और मैं घर से भाग के आया हूँ। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? पिताजी वो मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मेरी पत्नी मुझे सारे दिन डांटती रहती है। मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, ऐसे घर में मैं घर ज्वाइन नहीं बन सकता। बेटा अब वही तेरा घर है,
उसे ही अपना तू घर समझ और अपने सास ससुर को माता पिता समझ और उसे अपना घर समझ कर मन लगा कर काम कर और वहीं रह बेटे। पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। बेटा मटरू, ससुराल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने तेरे ससुर को वचन दिया था कि मटरू आपके घर बहू की तरह रहेगा। पिताजी आपने ऐसी बात क्यों कही थी? ऐसा आपको क्यों समझौता करना पड़ा? क्या जरूरत पड़ गई थी? पड़ गई थी बेटा जरूरत, मजबूरी थी इसलिए मुझे ये समझौता करना पड़ा। पिताजी ऐसी क्या मजबूरी थी? बेटा मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी तू पढ़ नहीं पाया और कोई काम सीखने की बजाय बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया। कोई लड़की तुझे देता नहीं था इसलिए मेरे को ये मजबूरी में समझौता करना पड़ा। तो पिताजी इन सब बातों से मेरी शादी पे क्या असर पड़ना था? था बेटा था। मैंने तेरे लिए अनेक लड़कियां देखी, किसी ने भी लड़की देने के लिए हाँ नहीं की। एक तो बेटा लोगों ने लड़कियां पैदा होने से पहले ही पेट में मरवा दी। मैंने सोचा कि मेरा मटरू जिंदगी बरकवारा न रह जाए इसलिए समझौता मुझे करना पड़ा बेटे। फिर क्या था पिताजी, मैं आपके पास यहाँ रह के आपकी सेवा तो कर लेता। सुन बेटा, एक लड़की वाले ने हाँ की थी और कहा था कि अगर तेरा लड़का घर जवाई बनकर बहू की तरह मेरे घर में रहेगा तो मैं लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा, और मैंने तेरी खुशी के लिए समझौता कर लिया। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बेटे, जीती रहो। मटरू घर से भाग के आया है, इन्होंने आपको बताया नहीं? हाँ बेटा, इसने मुझे सब कुछ बता दिया और मैंने भी इसको अच्छी तरह समझा दिया। अब ये तेरे साथ चला जाएगा, अब तू इसको ले जा। क्या पिताजी? यही कि इसी तरह लोग अगर लड़कियों को घर में मरवाते रहे तो मेरी तरह कईयों को ऐसे समझौते करने पड़ेंगे।